गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी बज रहा है सुबह के 7 और उठी थी बाबू को स्कूल ले जाने के लिए, बट इतना बारिश हो रहा ना, उसका टिफ़िन बनाने के बाद जो है टिफ़िन बनाई, पहले जब उठी तो बारिश हो रहा था, फिर सोची कि जाऊं या ना जाऊं, तो फिर क्या कि मैं उठ कर टिफ़िन बनाई, बाबू को भी उठा दी, बट फिर इतना तेज़ का बारिश होने लग गया कि फिर बाबू भीग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बारिश हो रहा है, ये देखिए गाइस बहुत तेज का बारिश हो रहा है। ये मैं किचन से दिखला रही हूँ आप लोगों को, देखें तेज का बारिश हो रहा है गाइस, इसीलिए जो है बाबू को नहीं ले जाऊँगी स्कूल। तो चलिए फिर मिलते हैं, क्योंकि बाबू को भी दूध दे दी हूँ तो वो थोड़ा आराम करेगी और मैं भी आराम कर लूँ, थोड़ी देर बाद उठूँगी, थोड़ा फ़ोन वोन देख लेती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है आगे का काम कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस। अभी बज रहे हैं 2 और मेरा सारा काम जाके अभी ख़त्म हुआ, जल्दी जल्दी मैं जो है खाना बना ली और मेरे हस्बैंड को खाना बना के दे दी, वो टिफ़िन अपना लेके चले गए, हम लोग अपना खाना बना लिए। एक्चुअली मम्मा का तबीयत जो है बिगड़ ही गया, जिस बात का डर था मुझे, उसको खांसी हो ही गया है, खांस रही है, तो मैंने उसको दे दिया है तुलसी पत्ता का रस, वो खा चुकी, मतलब पिला दिया है मैंने, नाश्ता भी करवा दिया था। हम लोग जो सुबह उठे थे स्कूल जाने के लिए तो फिर तो सो गई थी, उसके बाद फिर उठी जल्दी जल्दी फटाफट जो है उनका टिफ़िन बनाई मेरे हस्बैंड का, फिर हम लोग नाश्ता में सैंडविच ही खाया, और मम्मा के लिए जो मैंने ब्रेड टोस्ट बनाया था अंडा देके वो रख दिया था, मम्मा को वो खिलाया मैंने उठाने के बाद। और ये देखिए मम्मा जो है अभी जो है कैरम खेल रही है, अब जा रही हूँ मैं मम्मा को खिलाने, मम्मा कैरम खेल रही है। इसका भाई दिखा। अच्छा ये रहा भाई उसका, अकेले ही खेल रही है भाई। अच्छा ठीक है, वो अकेले ही खेलती है, उसकी फ्रेंड अभी आ नहीं सकती क्योंकि उसकी फ्रेंड का जो है ना दादाजी का डेथ हो गया है, जिसके वजह से ना वो आ रही है और ना ये जा पा रही है, क्योंकि मम्मा अगर जाती है तो फिर आती नहीं है, इसी वजह से जो है मैं उसको नहीं छोड़ रही वहाँ पे, क्योंकि फिर उन लोग खुद ही परेशान करेगी, और इसी वजह से नहीं छोड़ रही हूँ। मैं ब्लॉग नहीं की थी इतने दिन से, इसी वजह नहीं, भूल गई थी कि इसकी जो फ्रेंड है स्मृति, उसके दादाजी का जो है डेथ हो गया है, तो इसीलिए वो नहीं आ रही है, आएगी मम्मा तो उन लोगों का जो है काम हो जाएगा। थर्सडे फ्राइडे आई थिंक फ्राइडे के बाद से जो है वो स्कूल भी जाएगी, हमारे घर भी आएगी, मम्मा भी उसके घर जा सकती है, तो नहीं जा रही है, ठीक है। बहुत मिस कर रही है मम्मा स्मृति को, और स्मृति भी बहुत मिस कर रही है, ऐसे फ़ोन में तो बात हो ही जा रहा है बट जा नहीं पा रही है, तो वो आ जाएगी तो फिर उसके साथ खेलने लगेगी तो फिर इतना मिस नहीं करेगी, फिर अकेले बच्चा मेरा बोर हो जा रही है, घर गई थी, आएगी फ्राइडे को आएगी, अच्छा घर गई थी जिसके वजह से मम्मा का मन बदल गया, वरना बोर हो जा रही है। अच्छा बोल देती, हेलो स्मृति तातरी आसो, ठीक है। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी मम्मा को खिला देते हैं, दवाई खिलाना है, मैं भी खा लेती हूँ। देखिए बात कर लो, देखिए मम्मा स्मृति से बात करी, फ़ोन में बात करो। हेलो स्मृति, इवनिंग गाइस, ये देखिए कौन आया है, नटुआ, मेरे पास भाई है, नटुआ आया है, नटुआ या मेरा भाई है, नटुआ आया है, हाय बोल दो तो जो हाय, नटुआ बदमाशी करने आया, नटुआ ओरे बाप रे, नींद पूरा नहीं हुआ नटुआ, है नटुआ। मम्मा भी शो कर रही है, मम्मा खेल रही है, अब मम्मा को जो है कुछ खिला के नाश्ता करा के फिर दवाई पिलाना है। सॉरी सॉरी सॉरी,
क्या आई जाए 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 इधर देखिए मुझे इधर आई जाए जाए नटवा उन्हें बाबा ले इधर मुंह दिखा इधर मुंह दिखा इधर मुंह दिखा इधर मुंह दिखा गाइस मम्मा को जो है मैंने नाश्ता करवा दिया है और मम्मा को मैंने दवाई भी पिला दिया है। अभी मम्मा थोड़ा खेल रही है और मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ। ये रहा मैं चाय बिस्किट लेके बैठी हूँ, तो मैं भी चाय बिस्किट थोड़ा खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, बिस्किट खा लेती हूँ। उसके बाद मम्मा को थोड़ा मैं पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी, ठीक है। थोड़ा पढ़ाना है मम्मा को, बहुत खांसी है, पता नहीं खांसी कितना बढ़ जाए, तो पढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जो है खाना बना लूँगी। गाइस मम्मा का नाश्ता कंप्लीट हो चुका, मम्मा दवा भी पी ली है, अब मम्मा पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई तो कर ही रही है, बदमाशी भी कर रही है। ये देखिए पढ़ने बैठी है वो, पता नहीं कब तक पढ़ाई करके उठेगी। अभी मम्मा यहाँ पर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बिंदी बिंदी लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो मम्मा को मैं पढ़ाई करवा लेती हूँ। बहुत दिन हुआ पढ़ने नहीं बैठी है, घूम रही है, खेल रही है, बदमाशी कर रही है, लेकिन पढ़ाई में तो उसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए पढ़ाने बैठाई हूँ। अभी मैम छुट्टी पे हैं, अभी मैम को छुट्टी दे रखा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मम्मा को पढ़ा लेती हूँ। मम्मा का तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, खांसी जा रही है, तो देखते क्या होता है, और जल्दी से उसको पढ़ा लेती हूँ। कल स्कूल भी है, आज तो स्कूल नहीं जा पाई, बारिश हो रहा था, तो इसलिए आज स्कूल नहीं भेजे। अब देखते हैं कल बारिश होगा या क्या होगा, पता नहीं। तो और गाइस मम्मा जो है आप लोगों को गाना सुनाएगी, ठीक है, जो फंक्शन में गाने वाली है। तो मैं चलिए मम्मा गाना सुनाती है। मम्मा गाना सुना दो। अच्छे से अरे दे 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 आवे छे दे 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 चमन चला बुनेर पाकी बुनेर रो दे दे बुनो शबुन धारा चमन बदल हरा बदल बतस चमन डकट आकाश लूटे फेरे अरे दे 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 आवे रंग बिधुरे के दे पोछलो चमन बेगे। बस उसको लास्ट वाला लाइन जो है मम्मा को नहीं आता है, फिर भी ट्राई कर रही है, अच्छी बात है। और मम्मा का गला भी अच्छा है, मैम बोली है, बट उसे जुकाम हो रखा है ना, सर्दी खांसी हुआ है, जिसके वजह से मम्मा का जो गला जो है थोड़ा भारी हो रखा है, कफ जम गया मम्मा को, कफ बैठा हुआ, नाक भारी हुआ है, इसी वजह से गाना गा नहीं पा रही है, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं, थोड़ा मम्मा को पढ़ा लूँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। तो खाना बना के मैं खा लूंगी, फिर नीचे जाऊंगी, फिर नीचे जाएगी, नहीं खाना खा के नहीं बजे, जल्दी जल्दी मम्मा को पढ़ा लेती हूँ, वरना सम्मी मेरी सो जाएगी। गाइज मम्मा को मैंने खाना खिला दिया है, मम्मा नीचे चली गई थी पढ़ने के बाद, और मम्मा को मैंने खाना खिला दिया है, दवाई पिलाऊंगी थोड़े देर बाद। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ जो चिकन चाउ, कल हम लोगों को निरामिष खाना है, क्योंकि कल परसों जन्माष्टमी है, तो कल हम लोग जो है एकदम निरामिष खाएंगे, इसी वजह से थोड़ा चिकन था, तो मैं सोची कि चाउमीन ही बना दें। और एक्चुअली गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा मतलब उदास हूँ या फिर डरी डरी सी हूँ। एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहा है। वो होता है ना जंगली बिल्ली, जिसको बंगला में भाम बिरंग बोलते हैं, वो आया था गाइस, मैं तो डर गई। मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी हूँ, एक्चुअली मैं पीछे घूम के किचन में बैठ के जो है ना मैं आटा घूम रही थी, और यहाँ पे मैंने चिकन जो मैरिनेट करके ढक के रखा हुआ था, और वहीं पे साइड में जो है बेसिन के पास मैं हड्डी रखी हुई थी। मैं बैठ के आटा घूम रही हूँ, और मुझे आवाज़ ऐसा लगा कि मतलब कि हड्डी चबा रहा है कोई, ठीक है, बिल्ली बिल्ली, तो मुझे आवाज़ भी ना पड़ी कि क्या हुआ। तो फिर मैं जब पलट के देखी ना, तो बस मुझे मतलब देखते ही मुझे डर लग गया, मैं डर गई, देखते ही मैं डर गई। और मतलब मैं उसे कैसे भगाऊं, फिर मैं आवाज़ दी तो वो भागा जल्दी से। मैं सारा खिड़की बंद की रूम का, फिर मेरे किचन का, फिर डाइनिंग रूम का, फिर पूजा वाले रूम का मैं बंद किया, और मुझे बहुत डर लग रहा था।
क्योंकि मैं पहले कभी नहीं देखी, अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की तो मेरे हस्बैंड बोल रहे नहीं वो बिल्ली होगा, बट वो बिल्ली नहीं, वो वही जंगली बिल्ली, मतलब बाहर मिरर, वो बहुत डेंजर होता है। मतलब कैसा उनका फेस, एकदम काला सा, आँख भी अजीब सा काला काला पूरा, उसका जो बॉडी है वो अजीब सा, मतलब कैसा काला, मतलब क्या और बोलो। अभी भी मेरे आँख में ना उसका इमेज जो है ना पूरा वो हो रहा है, तो मैं बहुत डर गई गाइस, मुझे तो खिड़की खोलने में ही डर लग रहा है। लेकिन खैर अभी तो मेरे हस्बैंड हैं तो फिर मैं खोल लेती हूँ, नहीं खोलूँगी तो फिर होगा भी नहीं। और मैं शादी करके आई यहाँ, तब भी मैं कभी भी नहीं देखी, आज से 5.5 साल हो गया, तब भी मैं नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम देखी। गाइस जो सियार भी होता है जिसे लोमड़ी बोलते हैं, सियार अलग होता है लोमड़ी अलग होता है, जो भी हो सियार जो होता है पूरा उसी की तरह था एकदम। हाँ तो मैं बोली कि मैं उसके बाद ये भाम बिरल बोल के मैं गूगल में सर्च भी की कि देखती हूँ उसका इमेज कैसा है, जो मैं देखी एकदम वही मैच होता है कि देखा तो एकदम बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है, बहुत डरी हुई। तो चलिए गाइस मैं फटाफट बना लेती हूँ चाव। गाइस मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, मम्मा उसमें से चिकन उठा के खा रही है। ये देखिए मम्मा चिकन उठा उठा के खा रही है, इन लोग दोनों खा रहे हैं। कैसा बना मम्मा, चिकन दिखा दो, चिकन दिखा रही है मम्मा। ऑलरेडी मम्मा का खाना कंप्लीट हो चुका है, वो दाल रोटी खाई है, अब मुझे क्या पता वो खाएगी। वैसे वो खा नहीं रही है, अब उसके मुंह में अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि सर्दी हो चुका है मम्मा को, सर्दी के कारण कभी चिकन उसको अच्छा लगा तो उठ के खा रही, उठा उठा के खा रही है, खाए जो मन करे इसका खाने का खाए। आज का ब्लॉग बस यही तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, फिर क्या बोलोगी? बाय बाय, गुड नाइट राधे राधे। बाय बाय, गुड नाइट राधे राधे।